14 अक्टूबर को भारतीय सरकार ने एस परमेश को भारतीय तटरक्षक बल के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। वो 15 अक्टूबर से इस पद को आधिकारिक रूप से संभालेंगे। परमेश पिछले महीने अपने पूर्ववर्ती डीजी राकेश पाल के निधन के बाद से कार्यवाहक महानिदेशक के रूप में सेवा कर रहे थे। 3 दशकों से अधिक की सेवा के साथ परमेश ने भूमि और समुद्र दोनों पर कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। वो नई दिल्ली के राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज और वेलिंगटन के रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज के स्नातक हैं। उनके करियर में कई उपलब्धियां और उत्कृष्ट प्रदर्शन का रिकॉर्ड है। नेविगेशन और दिशा में विशेषज्ञता प्राप्त परमेश ने एडवांस्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल समर और ऑफशोर पेट्रोल वेसल विश्वस्त जैसे प्रमुख जहाजों की कमान संभाली है। परमेश ने पूर्व और पश्चिम तटरक्षक क्षेत्रों का नेतृत्व किया है। साथ ही साथ जुलाई 2018 से अगस्त 2023 तक पूर्वी समुद्र तट के तटरक्षक कमांडर के रूप में सेवा की। उन्हें राष्ट्रपति का तटरक्षक पदक और 2012 में महानिदेशक तटरक्षक से और 2009 में FOCINSC पूर्व से प्रशंसा प्राप्त हुई है।